गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में कोशिका कला अभिगमन सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की स्टडी करेंगे। कोशिका कला अभिगमन से तात्पर्य कि कोशिका कला जो होती है प्लाज्मा झिल्ली, वो एक वर्णात्मक पारगम होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब कुछ जो आयन है या विलायक के अणु हैं वो आसानी से इसमें से प्रवेश कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, जबकि विलेय के जो अणु हैं वो आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर नहीं आ सकते। तो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है, इसको समझने के लिए, कोशिका कला अभिगमन को स्पष्ट करने के लिए, इसमें मुख्य रूप से जो अभिगमन है, ट्रांसपोर्ट है, उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट निष्क्रिय अभिगमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय अभिगमन। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत जो रखे गए हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें जैसे अपन सबसे पहले जैसे बात करें डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन जो है विसरण, जैसे साधारण जो है अपन विसरण से जो इसको परिभाषित करें, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, मतलब अणुओं का गमन है कहाँ से, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। जैसे इस डायग्राम में अपन देखें तो इसमें जो है, जैसे यहाँ पर ये दिखा रखा है कि जैसे कोई विलेय पदार्थ है उसको यहाँ पर जैसे डाल रखा हुआ है, तो जहाँ पर इसकी सांद्रता अधिक है वहाँ से धीरे धीरे इसके जो अणु हैं वो कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर फैल रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो कि जैसे अगरबत्ती जो है एक जगह जलाते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद पूरे कमरे में ही क्या उसकी खुशबू हो जाती है, या फिर जैसे एक चौक को अपन पानी में डालें तो धीरे धीरे जो चौक है वो वहाँ से घुलना प्रारंभ होता है और उसके जो अणु हैं वो पूरे पानी में क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लो पोटेशियम परमैंगनेट की छोटी सी मात्रा अपन पानी में डालें तो थोड़ी देर में वो पूरी क्या हो जाएगी, उसमें विसरित हो जाएगी, घुल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है अणुओं की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, जिसको क्या विसरण कहा जाता है। और ये एक सामान्य भौतिकी प्रक्रिया है और फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो अणुओं में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन देखें, ऑस्मोसिस, परासन। परासन जो है दैटा, इसको दो संदर्भों में परिभाषित किया जाता है कि एक तो विलायक के संदर्भ में और दूसरे विलयन के संदर्भ में। जैसे विलायक के संदर्भ में इसको अपन परिभाषित करें तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक या जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब इसका यह है कि जैसे मान लो आपके पास 1 लीटर के 2 सॉल्यूशन हैं और जिसमें एक में सपोज ए नाम है, दूसरे का बी है, और ए में मान लो 200 ग्राम शुगर विलेय घुला हुआ है और बी में मान लो 100 ग्राम विलेय घुला हुआ है। तो इसमें सीधी सी बात है कि जो बी जो है उस जिसके अंदर 100 ग्राम विलेय घुला हुआ है, 100 ग्राम शुगर घुला हुआ है, उसके अंदर क्या होगा कि जो विलायक है या वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो ए है जिसके अंदर 200 ग्राम शुगर घुला हुआ है, उसके अंदर क्या होगा
कि जो ब्लैक है या वाटर है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बिलियनों को अगर एक अर्थ पारगम में झिल्ली से पृथक किया जाए तो इसमें जो है जो विलायक या जल के अणु हैं वो अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र मतलब बी वाला, जिसमें क्या है केवल 100 ग्राम, मतलब 1 लीटर बिलियन में 100 ग्राम क्या है शुगर घुली हुई है, चीनी घुली हुई है ना, तो उनका अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, बी। और जो ए वाला बिलियन है जिसमें क्या है 200 ग्राम, 1 लीटर बिलियन में 200 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो वहाँ पर क्या है जो मतलब विलायक है या जल के अणु उनकी सांद्रता कम है। तो ये जो है ऐसी स्थिति में अर्धपारगम में झिल्ली के द्वारा ये दोनों सेपरेट हुए हैं, तो बिलियन बी से जो है, या फिर ये कहें कि ब्लैक या जल के अणु बिलियन बी से कहाँ पर आएंगे, बिलियन ए में आएंगे। मतलब ब्लैक या जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अपनी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम में झिल्ली से ऊपर के क्या है गमन करते हैं। अब दूसरे संदर्भ में इसको बिलियन के संदर्भ में देखें, तो बिलियन की सांद्रता के संदर्भ में देखें तो ऐसी स्थिति में जैसे कम सांद्र बिलियन से अधिक सांद्र बिलियन की ओर जल या विलायक के अणुओं का गमन होता है। अब इसमें जो कम सांद्र बिलियन कौन सा होगा, जहाँ पर क्या है विलायक या जल की सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब यह है कि कम सांद्र बिलियन कौन सा होगा, जिसमें चीनी कम घुली हुई है, शुगर जिसमें 100 ग्राम घुली हुई है, जैसे मान लो जो बी सॉल्यूशन है वो कम सांद्रता वाला बिलियन है, जबकि ए वाला जो है जिसमें 200 ग्राम घुली हुई है 1 लीटर में, तो वो क्या अधिक सांद्रता वाला बिलियन है। तो ऐसी स्थिति में जो जल या विलायक के अणु हैं वो कम सांद्रता वाले बिलियन मतलब बी बिलियन से अधिक सांद्रता वाले बिलियन की ओर मतलब ए की ओर अर्ध पारगम में झिल्ली से होकर क्या गमन करेंगे। तो जैसे इसमें दिखा रखा है, जैसे अपन देखें इसमें आप देख सकते हो जैसे ये बीच में एक सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये प्योर वाटर है, जैसे ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो वाटर है या जो विलायक के अणु हैं वो क्या ज़्यादा है। ये वाला जो है वाटर प्लस सॉल्यूट है, तो इसके अंदर क्या है मतलब वाटर है या जो सॉल्वेंट है उसके जो अणु हैं उनकी सांद्रता क्या कम है। तो इसमें सीधी सी बात है कि ये जो अर्धपारगम में झिल्ली है इससे होकर के जो विलायक के अणु हैं वो इस प्रकार से क्या करेंगे, गमन करेंगे। तो मतलब इसमें क्या दोनों ही चीज़ें हैं कि अगर मान लो कि सांद्रता की बात करें तो कम सांद्र बिलियन से अधिक सांद्रता वाले बिलियन की ओर मतलब ब्लैक या जल के अणु हैं वो अर्धपारगम में झिल्ली से होकर के क्या गमन कर रहे हैं, या फिर ब्लैक या जल के अणुओं की सांद्रता के संदर्भ में बात करें तो ब्लैक या जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अपनी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम में झिल्ली से होकर गमन करते हैं। तो इस प्रकार से इसको दोनों संदर्भ में क्या परिभाषित किया जा सकता है। इसके बाद जैसे बात करें कि जो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक्जो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस, हिंदी में बोले वह परासरण और अंतः परासरण। तो एक्जो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि जो वाटर या सॉल्वेंट है वो सेल से क्या बाहर निकले तो उसको बोला जाता है वह परासरण। जैसे मान लो एक फ्रेश अंगूर है और उसको सांद्र मतलब जैसे शुगर का सॉल्यूशन है उसमें रख दिया जाए तो वो क्या होगा, पिचक जाएगा, मतलब उसका जो वाटर कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो इसको बोला जाएगा एक्जो ऑस्मोसिस। जबकि इसके मतलब एक्जो ऑस्मोसिस में जो है वो जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगी। जबकि एंडो ऑस्मोसिस में इसका अपोजिट होता है
जैसे मान लो किशमिश है और उस किशमिश को क्या है पानी में रखना है, तो वो पानी में रखने के बाद क्या होगी, फूलेगी। मतलब जो वाटर है वो ये सॉल्वेंट है वो क्या है सेल के अंदर एंटर करेगा, तो एंडोऑस्मोसिस का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जो मतलब सेल है वो क्या है फूलेगी। तो इस प्रकार से ये क्या है, दो प्रकार का होता है, एंडोऑस्मोसिस और एग्जोऑस्मोसिस। तीसरी जो बात करें फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, तो ये भी एक डिफ्यूजन का ही प्रकार है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ही होगा, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर चैनल या कैरियर मॉलिक्यूल की क्या आवश्यकता होती है। जैसे इसमें जो डायग्राम दिखा रखा है इसमें अपन देखें तो जिसमें आप जैसे ये वाले जो हैं ये जो कैरियर मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं ये वाले, और ये जो इसकी सरफेस से जैसे इसको यहाँ से देखें तो ये जैसे आउटर्स आउटसाइड है और ये इनसाइड है, मतलब ये पूरी मेम्ब्रेन है उसकी, जैसे बाहरी सतह पर ये जो मतलब जो कोई मॉलिक्यूल्स हैं जिनको अंदर लाना है तो उसके लिए क्या कैरियर है, ये जो है कैरियर, और ये कैरियर जो है मॉलिक्यूल्स के साथ क्या अटैच हो जाते हैं और जो इस प्रकार से मिलकर के उसको ये अंदर लेके जाएंगे और इनर साइड पर ला करके इसको रिलीज कर देंगे। तो इस प्रकार से जो सेल के आउटसाइड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के क्या इनसाइड अंदर की तरफ आ जाएंगे, तो ये एक कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मतलब या फिर दूसरे वाले अपन उसमें देखें डायग्राम में जैसे ये वाला है जिसमें क्या एक चैनल है, जैसे ये आउटसाइड मॉलिक्यूल है वो एक चैनल के थ्रू जैसे आ रहा है और उस चैनल के थ्रू आ करके फिर वो मतलब इनसाइड अंदर की तरफ। तो इस प्रकार से इसको क्या एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसीलिए कहा जा रहा है, सुगमकारी विसरण बोल सकते हैं कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो विद द हेल्प हो रहा है कैरियर मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी मकान है कोई और उसके गेट पर कोई गेट कीपर बैठा हो और वो बाहर से आने वाले व्यक्ति को अंदर तक छोड़ के जाए मकान में और फिर वहाँ से लौट करके वापस गेट पर चला जाए, फिर कोई और कोई व्यक्ति आता है फिर उसको अंदर छोड़ के जाए, तो वही कार्य क्या है यहाँ पर, जो गेट कीपर का काम कौन कर रहा है, कैरियर मॉलिक्यूल कर रहा है कि जो बाहर आउटसाइड सेल के आउटसाइड जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको सेल्स के अंदर लाना है, तो वो किसके थ्रू आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल, और कैरियर मॉलिक्यूल उसको सेल्स के अंदर छोड़ करके इनसाइड सरफेस पर छोड़ करके मतलब उसको इनसाइड सरफेस पर रिलीज कर देंगे मॉलिक्यूल को बाहर वाले को, और खुद फ्री होकर के फिर दोबारा से आउटर सरफेस पर पहुंच जाएंगे और नेक्स्ट मॉलिक्यूल लाने के लिए फ्री हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट है वो इसके लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स या चैनल्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और बाकी ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस ही है, मतलब एक स्पेशल टाइप का अपन डिफ्यूजन प्रोसेस कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेनली जो है जो अपन ने चीज़ें देखी कि ये एक तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है। सांद्रता प्रवणता का मतलब ये होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होगा। दूसरा जो है देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इस प्रक्रिया में या इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में किसी प्रकार की ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, मतलब ऊर्जा का व्यय नहीं होगा, और इसलिए ये क्या है दैट द पैसिव प्रोसेस है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट नाम दिया गया है। और इसके अंदर क्या है, तीन मेथड हैं जो आपने देखे हैं, कौन कौन से, एक तो डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें अपन, नेक्स्ट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है जो मॉलिक्यूल्स या आयंस का जो मूवमेंट होगा वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, सांद्रता प्रवणता के विपरीत होगा। मींस जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स और आयंस का वो लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होगा। चूंकि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है तो इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है और वो जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उससे जो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से जैसे अपन इसको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके एक्सटीरियर आउटसाइड है और ये इसकी जैसे इनसाइड है, तो इसमें अपन देखें तो जैसे ये बाहर का जो जैसे इसमें भी वही कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन इसमें जो कैरियर ट्रांसपोर्ट जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है जैसे बाहर का जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर आना है तो जो कैरियर के थ्रू आएगा, लेकिन जो कैरियर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स है वो आगे जा कर के बाहर के मॉलिक्यूल को सेल्स के इनसाइड सरफेस तक विद द हेल्प ऑफ एनर्जी पहुंचा पाएगा। उसके लिए ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी, और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है, एटीपी से प्राप्त हो रही है, जिसमें आप देख रहे हो कि एटीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, एडीपी में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए क्या है कि इस प्रोसेस में चूँकि ये एक्टिव प्रोसेस है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है और वो एनर्जी क्या है, एटीपी की फॉर्म में आवश्यक होती है। और इसमें भी फिर वही सिचुएशन है जैसे जो बाहर का जो मॉलिक्यूल है या आयन है वो इनसाइड सरफेस पर आएगा और कैरियर जो है वो इनसाइड सरफेस पर उसको छोड़ देगा, वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा और दोबारा से कैरियर वहाँ से रिलीज होकर के और फिर आउटर जो सरफेस है उस पर आ जाएगा और नेक्स्ट जो आयन है मॉलिक्यूल से उसको ले जाने के लिए फ्री हो जाएगा। जो डिफरेंस है इसमें और जैसे अपन ने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा तो फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट था या डिफ्यूजन था उसमें किसी प्रकार का एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं था, उसमें एटीपी के रूप में एनर्जी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में मतलब ऊर्जा है वो उपलब्ध हो जाती है और ये जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है उसके द्वारा ही इस प्रकार का ये ट्रांसपोर्ट है ये संभव हो पाता है। इसलिए क्या है इसको जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ऊर्जा का इसमें व्यय होता है। तो ये दोनों जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में बेसिक डिफरेंस भी समझ में आ जाना चाहिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, सांद्रता प्रवणता के अनुरूप हो रहा है, और उसमें जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर किसी प्रकार का ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो मूवमेंट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है और इसमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी के रूप में उपयोग होती है। तो इस प्रकार से ये जो है सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है ये समझ में आ जाना चाहिए। थैंक्स।